नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आज के स्टूडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना न्यू कैनन कैमरा, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में। और मैंने इसे बाय किया है धनबाद से, आप देख सकते हैं इसे। सो, इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाऊंगा इसके साथ मुझे क्या क्या मिला और इसका रिव्यू। और अगर आपको प्राइस डिटेल चाहिए देन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ बताने वाला हूँ इसके बारे में और आने वाले वीडियोस इस चैनल में इसी कैमरे से आएंगे। सो प्लीज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ जल्दी से नीचे रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर ले। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो ये हमारा बॉक्स है जिसके अंदर हमारा DSLR और साथ में लेंस और सम एसेसरीज है। सो जल्दी से हम लोग इसे ओपन करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60GB का मेमोरी कार्ड और एक बैग लिखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ फीचर्स जैसे इसमें है 4K रिकॉर्डिंग और साथ में ढेर सारे फंक्शंस। और यहाँ पे प्राइस जो 65,000 लिखा हुआ है, 995, लेकिन मैं इसमें लास्ट में बताऊँगा कि इसका प्राइस कितना है। सो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहें अंत तक। उसके बाद ये है इसका कैरी बैग जो फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ मिला, लेकिन इसका चार्जेस तो ऑलरेडी जोड़ लिया जाता है यार। सो, इसमें आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी कहाँ कैसा है। आप यहाँ पे लेंस रख सकते हैं और यहाँ पे कैमरा। सो, इसको हम लोग अब रख देते हैं अंदर और देखते हैं हमारे बॉक्स में क्या क्या है। सो, मैं बता दूँ कि मैंने इसे ऑलरेडी ओपन कर दिया जब मैंने शॉप में लिया था, और मैंने स्पेशली वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर ढेर सारी बारिश बहुत देर से हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि जो किया जाएगा वो घर में ही। सो, ये 16GB का मेमोरी कार्ड इसके साथ मिला है। और उसके बाद ये मैनुअल बुक जो आप पढ़ सकते हैं जब आपको खाली टाइम मिले। सो, इसको हम लोग जल्दी से रखते हैं साइड में। उसके बाद ये स्ट्रिप जो आप कैमरे में लगा के उसे सेव कर सकते हैं गिरने से, ये स्पेशली उसी के लिए दिया जाता है ताकि आपका कैमरा ख़राब ना हो। सो, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये हमारा लेंस और ये कैमरा। इसको हम लोग बाद में निकालेंगे, अभी थोड़ा सा इसे रख देते हैं अंदर। अब देख लेते हैं हम लोग के पास और क्या क्या है। सो, ये है बैटरी का चार्जर, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी का चार्जर सिंगल है और इसमें दो इंडिकेटर जिसमें लिखा हुआ चार्ज और फुल। सो, इसको रखते हैं हम लोग साइड में। और ये है कनेक्टर उसका जिससे हम लोग चार्ज कर सकते हैं इसे डायरेक्टली एसी से। उसके बाद ये है लास्ट में बैटरी। सो, सारा एसेसरीज ख़त्म हो चुका है और ये लास्ट बचा हुआ है बैटरी जो 1040 mAh का है, जिसका टाइम ज़्यादा नहीं है वैसे अगर इसको रन करता है कैमरा को तो। और ये हमारा लेंस है 1855 का जो इसके साथ फ्री मिलता है और इसे किट लेंस के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इसे यूज़ करने में मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये STM का है। एक लेंस आता है 55-250mm जो इसी बैग में होता है, लेकिन मैंने इसे नहीं लिया क्योंकि मेरे पास अमाउंट कुछ कम थे, उसका 11,000 एक्स्ट्रा पड़ रहा था, इसलिए मैंने 500 एडवांस देके उसे छोड़ दिया वहीं पे। और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उसे एक मंथ के अंदर जल्दी से लेते आऊँगा। सो, गाइज़ प्लीज़ बताएँ कि वो ज़्यादा सही रहेगा या नहीं। और आप देख सकते हैं ये है हमारा कैमरा का बॉडी है जिसके अंदर आपको मैं खोल के थोड़ा सा दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि क्या क्या है। सो, इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको एक मिरर और ये साइड व्यू है टोटल। सो, हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। वैसे इसमें अगर धूल घुस जाए तो ये ख़राब हो सकता है, ज़्यादा हो सके इसे बचा के रखना और बंद करके ही रखना ज़्यादा फायदेमंद होगा। सो, अब हम लोग देख लेते हैं इसका डिस्प्ले किस टाइप से है। सो, मैं आप इसको खोल के दिखा रहा हूँ, ये बड़ा डिस्प्ले है। और आपको मैं इसे ऑन करके भी दिखाऊंगा लास्ट में। सो, हम लोग देख लेते हैं ओवरऑल इसमें क्या क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें व्यू फाइंडर है और यहाँ पे है माइक इनपुट करने के लिए और यहाँ पे इसका मॉडल। और ये यहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे HDMI कॉर्ड। सो, हम लोग इसे टोटली देख लेते हैं अच्छा से, उसके बाद इसे बंद करके हम लोग देख लेते हैं सारा कुछ। यहाँ पे आप बैटरी लगा सकते हैं
सो वो सब भी हम लोग इनपुट करेंगे इसमें जल्दी ही जल्द। सो आप देख सकते हैं ये सारी एसेसरीज जो मैंने इसके साथ कुछ खरीदे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 32 GB का मेमोरी कार्ड है और एक ये चिप ब्रेड है, इसमें आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं बड़ा वाला। सो हम लोग इसमें बैटरी और मेमोरी कार्ड जल्दी से इंपोर्ट कर लेते हैं। ये 16 GB का मेमोरी कार्ड है जो इसके साथ मिला था मुझे। उसके बाद हम लोग इसे लगाने के बाद कुछ इस तरह से प्रेस कर देंगे अंदर की ओर, उसके बाद बैटरी भी लगा लेंगे। सो हम लोग इसे कुछ इस तरह से यहाँ पे देख लेंगे कि कहाँ है, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा इसे मूव करेंगे अंदर की ओर, उसके बाद ठेल के लगा देंगे। सो ये सेट हो गया हमारा बैटरी। उसके बाद हम लोग लेंस लगा लेते हैं। सो सबसे पहले आप लेंस का खोल लें क्योंकि उसमें ज़्यादा डर नहीं होता। सो हम लोग इसे पहले खोल लेते हैं, उसके बाद मैं खोलूँगा कैमरा का। सो हम लोग इसे भी जल्दी से खोल लेते हैं कुछ इस तरह से। आपको इसे थोड़ा सा बस खोलना है, उसके बाद वाइट और वाइट डॉट को मिलाना और इसे लगाना है। सो इसे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। पहले मैं सेट कर रहा हूँ थोड़ा सा कि हाँ सही है या नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट और वाइट डॉट को मिलाने के बाद मैंने इसे लेफ्ट की ओर मूव कर दिया। मैं इसे खोल के फिर से दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे लगाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट और वाइट डॉट है, इसको पहले मैंने मैच किया, उसके बाद थोड़ा सा इसे मोड़ दिया बस, उसके बाद ये सेट हो गया। एंड देन हम लोग इसे रिमूव कर लेंगे। उसके बाद मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे सैंपल, इसमें आइज डिटेक्शन भी है जो एक नया फीचर से अभी तक तो मैंने किसी में नहीं देखा, और स्पेशली ये 200D Mark II में ही आया जो 250 के नाम से भी जाना जाता है। वैसे अगर आप नहीं जानते कि मैंने इसे किस लिए लिया है तो मैं आपको बता दूं कि मेरा और एक चैनल है फाइन आर्ट्स क्रूजी, जिसमें 1,15,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं और नए सब्सक्राइबर आने वाले हैं। इस खुशी में मैंने बेटर क्वालिटी देने के लिए ये ख़रीदा है। सो अब हम लोग इसे खोल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको 4K शूटिंग भी मिलेगा जो मैं स्पेशली यूज़ करूँगा आने वाले वीडियोज़ में, स्पेशली डायग्राम वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि उससे आपको अच्छा से बेस्ट क्वालिटी मिलेगा और आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी कि यार मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ अपने मोड़ के कि इसमें आई डिटेक्शन जो नया आया उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे आइज़ पे यहाँ पे कैसा हो रहा है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, हाँ देख सकते हैं अब क्लियरली कि इसमें मेरा आइज़ को भी फोकस कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है नया, क्योंकि अभी तक किसी में नहीं आया था। इसका प्राइस मुझे पड़ा 58,000 दोनों लेंसेज के साथ, और अगर आप एक लेंगे तो आपको 57 में ये आ जाएगा। अगर आप इस कैमरे को ख़रीदना चाहते हैं देन प्लीज़ जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बताएँ कि कौन सा बेस्ट फीचर आपको लगा इसलिए आप इस कैमरे को जल्दी से जल्दी बाय करना चाहते हैं। अब मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ जो मैंने इसी DSLR कैमरा से लिया है। सो आप देख सकते हैं इसी का क्वालिटी। अब मैं कुछ वीडियोस दिखा रहा हूँ सैंपल, यहाँ पे मैंने साइड में इसे सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से लिया है, जिससे आपको पता चल रहा होगा कि कहाँ पे फोकस कर रहा। और ये कुछ फोटोज़ है जो मैंने स्पेशली लिया है जूम करके, उसके बाद ये वीडियो थोड़ा सा जूम करके मैंने लिया है ताकि आपको क्लियरली पता चले कि इसका क्वालिटी कैसा है। और ये फ़ोटो, उसके बाद आप देख सकते हैं और एक वीडियो मैंने यहाँ पे लिया है। बारिश का मौसम था लेकिन मैंने यहाँ पे ISO बढ़ा के लिया है, सो इसका क्वालिटी अच्छा है यहाँ पे। उसके बाद और एक फ़ोटो मैंने जो इसी कैमरे से लिया है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ 4K सैंपल, आप इसे क्लियरली देख सकते हैं। आपको मैं बता दूँ कि मैंने इसमें अपना पेरेंट्स का 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया, क्योंकि मैं इसे बहुत दिनों से खरीदना चाह रहा था और जो भी कुछ मुझसे हो सका YouTube के अर्निंग से मैंने इसे बाय किया है, ताकि आपको बेटर क्वालिटी मिल सके आने वाले वीडियोस में और मुझे भी वीडियोस बनाने में मज़ा आए। सो गाइस प्लीज़ बताएं कि आपको ये कैमरा कैसा लगा, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, देन प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो देन प्लीज़ नीचे कॉमेंट करना ना भूलें। और अगर आप इसी कैमरे से ढेर सारे वीडियो देखना चाहते हैं देन प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस इसी से बनेंगे। सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।